लद्दाख, जिसे आप लोग सिर्फ यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियों के लिए जानते हैं, बड़े बड़े लैंडस्केप के लिए जानते हैं, या एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह देखते हैं, इसी लद्दाख में एक आदमी पिछले 5 दिनों से अनशन पर बैठा है, भूख हड़ताल पर बैठा है, और आप तक शायद खबर पहुँची है नहीं पहुँची है इसको लेकर हमें बड़ी शंका है। वो आदमी हैं सोनम वांगचुक। उनके कई परिचय हैं, वो एजुकेशनलिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, तमाम तरीके की रिनोवेशन कर चुके हैं लद्दाख में, और शायद आपने 3 इडियट्स देखी होगी तो उसमें कुनसुक वांगड़ू का रोल था, वो भी इन्हीं से प्रभावित बताया जाता है। तो वो सोनम वांगचुक हमारे साथ हैं आज, उनके समर्थन में लेह लद्दाख से तमाम लोग जुटे हुए हैं, आप कैमरे के पीछे देख पा रहे होंगे। तो सोनम हमारे साथ हैं, उनसे हम समझते हैं सबसे पहले तो मुद्दे क्या हैं। मुद्दों पर जाने से पहले, बहुत सारे लोग हैं सर जो आपको जानते हैं पर आपके बारे में और जानना चाहते हैं कि आपकी पूरी कहानी क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी, तो अगर आप शॉर्ट में हमें बता सकें कि आपकी जर्नी बचपन से लेकर अब तक की। जी नमस्ते सभी को। तो मैं बहुत ही छोटे से गांव में पैदा हुआ जहाँ 5 ही घर थे और कोई स्कूल नहीं था, और इसलिए 9 साल की उम्र तक मैं किसी स्कूल में नहीं गया, मगर शायद स्कूल से भी बेहतर था क्योंकि मैं अपनी माँ से सीखता था अपनी मादरी जुबान मातृभाषा में, और फिर किसानों से, खेतों से, पहाड़ों से, बकरियों से। सीखने के लिए स्कूल नहीं चाहिए, सीखने के लिए जिज्ञासा चाहिए, और वो मुझ में भरा हुआ था। तो मैंने बहुत कुछ बुनियादी चीज़ें वहीं पर सीखें, फिर 9 साल की उम्र में मुझे खींच कर ले गए स्कूल में, और वहाँ मेरी सिखाई बल्कि कम हो गई। तो उसके बाद स्कूल में सीखने लगा, पहले साल बहुत मुश्किल हुआ क्योंकि मैं सिर्फ लद्दाखी भाषा ही जानता था, मगर क्योंकि मेरी मातृभाषा पर पकड़ बहुत अच्छी थी तो और भाषाएं सीखने में मुझे देर नहीं लगी। बाद में आगे जाकर मैं कोई 9 भाषाएं सीख ली मैंने। स्कूल में धीरे धीरे मैं बहुत अच्छा करने लगा साइंस में, मैथ्स में, और काफ़ी सबके बराबर या आगे भी बढ़ने लगा। फिर जाके मैं क्या करूं ये पक्का पता नहीं था, तो इसलिए औरों की तरह इंजीनियर या डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं था। फिर 11वीं कक्षा में मुझे साइंस में ऑप्टिक्स यानी कि रोशनी के बारे में जो चैप्टर था वो बहुत मन को भाया, और मैं ये लेंसेज, मिरर्स, इन सब के बारे में और जानने की इच्छा मेरे में जागी, और फिर मैं पूछने लगा ये मैं कहाँ सीख सकता हूँ और ज़्यादा। तो मेरे एक चाचा थे जिन्होंने कहा कि इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो इस वजह से इंजीनियर बनने के लिए नहीं बल्कि ये अपनी जुनून जो था, तो फिर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए तैयार की और अगले साल मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था। तो वहाँ पर मेरे ज़िंदगी में ऐसे हालात थे कि वो जो इंजीनियरिंग का खर्चा था जो कि कम नहीं होता है, मुझे खुद उठाना पड़ा। तो उसके लिए मैं पढ़ाने लगा बच्चों को ताकि अपनी पढ़ाई को सपोर्ट कर सकूं, और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ये दिखा कि हमारा जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कितनी कमियां हैं। अच्छे अच्छे होनहार बच्चे लद्दाख में तब सब फेल हो रहे थे, लद्दाख में तब 95% फेल हो रहे थे, आप समझ सकते हैं, मैट्रिक में 10th क्लास में। तो मैंने सोचा फिर ये मैं लेंजेज और लाइट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को थोड़ा ठंडे बस्ते में रखता हूँ और एजुकेशन पे काम करता हूँ। तो जैसे मैंने ख़त्म किया इंजीनियरिंग, मैं सीधा लद्दाख वापस आया जब मेरे दोस्त कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली जा रहे थे। यहाँ आकर मैंने शिक्षा सुधार का काम शुरू किया, और वो भी सरकारी स्कूलों में जहाँ भारत की जनता रहती है, पढ़ते हैं बच्चे, क्योंकि सरकारी स्कूल जब तक ठीक नहीं होंगे भारत कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये 2-4 लोगों के बच्चे अगर आसमान को छूते हुए स्कूलों में पढ़ें जो अमेरिका से भी बेहतर होंगे, मगर जब 95% बच्चे अफ्रीका से भी बदतर स्कूलों में रहें तो भारत की उन्नति नहीं होगी। तो मैं उन गाँव के स्कूलों को सुधारने के लिए सरकार के साथ मिल के एक ऑपरेशन न्यू होप, जो कि एक अभियान थी नई उम्मीद की, तो उसको छेड़ने लगा, और फिर सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में शिक्षा सुधार लाने लगा। फिर जाके एक ऐसा मुकाम आया जब वो 95% फेल या 5% पास था, वो 55 तक
पास होने लगे 7 साल में बढ़ के, फिर 75% पास तक पहुंच गया। तब मैंने ये सोचा कि अगला 25% में और ज़्यादा मेहनत लगेगा, क्योंकि आखिरी प्रतिशत महंगा होता है, मुश्किल होता है। तो इस बात पे मैंने ये सोचा कि ये सरकार को दें और हम उनको लें जो फेल हो रहे हैं, जो अब भी फेल हो रहे हैं। तो उनके लिए हमने एक स्कूल बनाया, जिस स्कूल का दाखिला ही इस बुनियाद पे है कि आप फेल हुए हों। यह आपका मार्क्स नहीं, डिवीजन नहीं, एडमिशन क्राइटेरिया है कि आप फेल हुए। और तो आते फेलियर्स की तरह हैं, मगर जाते सितारे बन के जाते हैं। तो इसमें से बहुत होनहार लोग निकले हैं, जिन्होंने पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा किया है, जिन्होंने जर्नलिज्म में बहुत अच्छा किया, जिन्होंने फिल्म मेकर बन के, एंटरप्रेन्योर बन के। तो ये मैं करता रहा, और मैं कहूँगा उसके बाद से मैं शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण, एनवायरनमेंट पे काम करने लगा कि कैसे लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाएं और बहुत ही खूबसूरत रखें जैसा हमारे पूर्वजों ने हमें दिया। तो एक तरफ मैं सोलर हीटेड हाउसेस, यहाँ बहुत ठंड होती है आपको तो मालूम है, तो लोग जलाते हैं लकड़ी, कोयला, तेल, जिनके पास होता है, जिनके पास नहीं होता है ठंड में ठिठुरते रहते हैं, और जिनके पास होता है वो भी बहुत प्रदूषण करके पर्यावरण को बिगाड़ते हैं। तो मैं उन्हीं लाइट और ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए ऐसे भवन बनाने लगा जो भवन आगे चल के -20 में भी +20 पे रहते हैं, तो बिल्कुल आपको आग जलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज हम उसको फैला रहे हैं, बल्कि भारतीय सेना को भी हम ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं ताकि हमारे सैनिक जो चीन पाकिस्तान के सीमा पर हैं उन्हें तेल जलाना न पड़े, और उनसे इससे उनका भी आराम होगा और प्रकृति का भी, क्योंकि बहुत धुआं निकलता है हमारे सैनिक प्रक्रिया से। और फिर साथ ही में मैं पानी की कमी पर काम करने लगा कि जब पर्यावरण के कारण जो दुनिया गर्म हो रही है तो हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वही हमारा जीवन रेखा है, उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। तो मैं कृत्रिम ग्लेशियर्स, आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स के काम में भी जुड़ा। तो इस तरह से मेरा पर्यावरण में बहुत 30 साल से लगाव और रिश्ता रहा है। इसीलिए आज जब लद्दाख यूटी बन गया तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो थोड़े से लोग हैं और जो टूरिस्ट आते हैं उससे ही इतना प्रभाव पड़ रहा है ग्लेशियर्स पर, कि अब हम अगर इसको ऐसे ही खुला छोड़ दें मैदान की तरह, जहाँ कोई भी आके कुछ भी कर ले, तो ये पर्यावरण सह नहीं पाएगी। अब अगर ये लद्दाख लखनऊ या चंडीगढ़ की तरह बने, है नहीं ऐसा। यहाँ पर लोग 5 लीटर प्रति दिन पे जीते हैं, वहाँ 250 पे। अगर ऐसे इंडस्ट्रीज यहाँ आए, शहरों के लोग आए जिनको 250 लीटर चाहिए, तो ना वो जी पाएंगे ना यहाँ के लोग जी पाएंगे। तो ऐसे में संरक्षण की बहुत ज़रूरत है। तो ये तो आपकी लाइफ जर्नी हम लोगों ने समझ ली। आप इतने सारे इनोवेशंस के पीछे रहे, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे रहे, एजुकेशन के लिए इतना काम किया, पिछले 5 दिनों से आप अनशन पर हैं 26 जनवरी से, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो जब लद्दाख यूटी बना लोग बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, मगर एक साथ एक चिंता ये पहले भी थी कि 370 में जो लद्दाख को संरक्षण मिलता था, यहाँ की धरती पहाड़ों को, वो कैसे रहे। मगर दूसरी तरफ उम्मीद थी और पता था कि संविधान में एक अनुच्छेद 244 में 6वां शेड्यूल है जो ऐसे इलाकों को जहां जनजातीय जनसंख्या बहुत बड़ी हो, 50% से ऊपर हो, वहां ये संरक्षण मिलता है। और लद्दाख में 95% जनसंख्या है जनजातीय, तो ऐसा होगा पता था। और सरकार ने भी शुरू में, चाहे वो कानून मंत्रालय हो, लॉ मिनिस्ट्री, ट्राइबल मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, सब ने सिफारिश की यहाँ ये होनी चाहिए। बल्कि हमारे जो बीजेपी की पार्टी है उन्होंने तो 2 बार 2019 में और 2020 में, जब यहाँ हिल काउंसिल के इलेक्शन हुए और 2019 में जब संसद चुनाव हुए, उनके मैनिफेस्टो में ही पहला नंबर पे 6th शेड्यूल था
20 में और 19 में तीसरे नंबर पे। तो सब बहुत आश्वस्त थे कि ये होने जा रहा है, अब ये धरती संरक्षित रहेगी, क्योंकि ये बहुत नाजुक इकोलॉजी है, ये और जगहों की तरह नहीं है। वैसे तो सब जगहों को संरक्षित रखना चाहिए, चाहे वो दिल्ली हो या चंडीगढ़, मगर यहाँ कुछ और है। आप यहाँ आएंगे तो पता चलेगा ये चांद या मार्स की तरह है ज़्यादा। तो फिर शुरू में ये आश्वासन देने के बाद अगले 3 सालों तक कुछ हुआ नहीं। धीरे धीरे हमने देखा कि वो बात भी नहीं करना चाहते हैं, सरकार जो उन्होंने वादा किया था। फिर धीरे धीरे देखा कि ये 6 शेड्यूल बोलना ही एक तरह का जुर्म सा बनता गया। अभी तो ऐसा है कि कल परसों एक स्टेडियम में बच्चे 6 शेड्यूल पुकारने लगे जब LG साहब, गवर्नर साहब स्पीच करने लगे, पुलिस उनको पकड़ के ले गए। तो ये 6 शेड्यूल बोलना ही जुर्म सा देख रहे हैं, बजाय इसके कि जो वादा किया वो दे दें। तो इसलिए लोग बहुत परेशान हैं। 3 साल से हमारे जो नेता हैं वो पूरी कोशिश में थे केंद्र सरकार से, कभी कोई बहुत गर्म मसला हो तो वो बात कर लेते, जैसे 2020 में जब इलेक्शन होने थे हिल काउंसिल के, जिनको जीतना बहुत ज़रूरी था, तो हमारे नेताओं ने कहा कि हम इसका बायकॉट करेंगे जब तक आप इस वादे पे बात ना करें। तो तुरंत उनको हवाई जहाज स्पेशल लेके दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली में बातचीत हुई। उन्होंने कहा इलेक्शन होने दीजिए, उसके बाद हम जो आप कहते हैं उन सब पर बात करेंगे। मगर इलेक्शन हुए और बात नहीं हुई, बात किया नहीं, और जब हुई तो बोले 6 शेड्यूल छोड़ो, भूल जाओ और किसी भी चीज़ पर बात करो। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि मैनिफेस्टो में 2-2 बार आपने डाला, उसके बाद अब आप कह रहे हो? वही तो, मैं तो नहीं था, मगर पता चल गया कि वो नहीं बात करना चाहते हैं। और फिर बात हुआ नहीं, अभी कोई 1.5 साल हुए कि कभी बातचीत के लिए बुलाया नहीं, सब उम्मीद कर रहे हैं। फिर मैंने ये सोचा कि ये जिम्मेदारी हमारे गिने चुने लीडर्स पर नहीं छोड़ना चाहिए, हर एक को इसमें जुड़ना चाहिए। तो मैं अपनी स्तर पर क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो खासकर जो जिस एनवायरनमेंट पर्यावरण के लिए मैं 30 साल से काम करता आया हूँ, अब वो पल भर में बिगड़ जाए तो वो बहुत चिंता की विषय थी। तो फिर मैंने ये कदम लिया जो आपने देखा, 26 जनवरी से कुछ दिन पहले मैंने खारदुंगला से एक प्रधानमंत्री जी को संदेश भेजा, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि निचले सतहों पर ये हो रहा है, शायद बात अमित शाह जी तक या मोदी जी तक पहुंच नहीं रहे हो, तो उन तक पहुंचे, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को विशेष संबोधन की तरह किया कि आप पर्यावरण का इतना ख्याल रखते हैं, जब दुनिया के और नेता तो बिगाड़ने में लगे हैं, आप तो उसे बना रहे हैं, तो ऐसे में लद्दाख का समझिए, जिसका आपने इतना ख्याल रखा कि इसे UT बनाया, इसे कार्बन न्यूट्रल लद्दाख दिया, तो अब इसको जो वादा किया था 6 शेड्यूल का वो दीजिए, हम कुछ और नहीं मांग रहे हैं। जो वादा किया है चुनावी मैनिफेस्टो में उसी को मांगना जुर्म कैसे हो सकता है? तो आपने जैसे वीडियो बनाया जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को संबोधित करते हुए, तो क्या वहां से फिर कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई आया आपके पास, कोई बातचीत हुई इसको लेकर? नहीं, अभी तक कुछ नहीं आया, मुझे उम्मीद है आएगा। अगर नहीं आया तो जैसा मैंने कहा है कि ये एक सांकेतिक अनशन है, यानी कि अगला फिर ना हो तो मैं 5 के बजाय 10 का करूँगा, उसके बाद 15 का करूँगा, उसके बाद 20 का करूँगा। जब तक इस पर फैसला कुन कोई नतीजा निकले हम आगे बढ़ते जाएं। जैसे कि आपने बताया कि वहाँ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, पर हमें जानकारी मिली कि दूसरे दिन से ही आपके घर के बाहर और इस कॉम्प्लेक्स के थोड़ा सा बाहर रोड पर पुलिस तैनात थी और हर आदमी से इंक्वायरी कर रही थी, और आपकी तरफ से कहा गया कि आप हाउस अरेस्ट में है, बिना किसी कागजी कार्रवाई की, बिना किसी ऊपर से किसी आदेश के आपको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इसकी जानकारी आपको कब मिली, क्या था ये? तो हम हैरान हैं कि जिस वादे का हम याद दिला रहे थे और कुछ नहीं, उन्हीं के वादे का याद दिला रहे थे, वो इतना संगीन होगा हमने सोचा नहीं। हमारा तो सादा सा पर्यावरण के बारे में एक आवाज थी। तो मैंने ये कहा था कि 26 जनवरी से मैं अनशन करूँगा। प्रशासन से मैंने सूचित करते हुए
पूछा था कि हम खरदुंगला पे ये करेंगे, तो उन्होंने खरदुंगला बहुत खतरनाक है, ये है वो है, आप हयाल में कीजिए, ऐसा कहा था। यानी कि वो मेरे सुरक्षा की चिंता कर रहे। अब हयाल ही नहीं, वो तो खरदुंगला के बेस पे भी हो सकता था, लेह में गांगलेस में हो सकता था, किसी भी जगह हो सकता था जो सुरक्षित है, उन्होंने ये बताया। मैंने उसे हल्का लिया, मगर फिर जब 26 जनवरी का सुबह हुआ कोई 4-5 बजे, मुझे बहुत आवाज़ें सुनाई दी बाहर, देखा तो पुलिस की गाड़ियाँ बस भर के, तो फिर मैं हैरान रहा। बाद में दिन में मैंने उनसे पूछा, एक अफसर से जो कि बहुत अच्छे थे, कि ये किस लिए हो रहा है, क्या मैं नज़रबंद हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं 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 बिल्कुल नहीं, ये सब क्योंकि आप बड़े आदमी हैं, आप अनशन पे हैं, तो आपकी सुरक्षा के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर पूछा हमने SHO से कि हमारा मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, क्या हम किधर कहीं नहीं जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए। तो मैं उसे टेस्ट करने के लिए कही है या ले में, उसी दिन हमारे सपोर्ट में अनशन और पूजा हो रही थी चोखंग मंदिर में, तो मैं वहाँ जाने लगा क्योंकि वहाँ से कॉल आया कि आपको यहाँ उम्मीद कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से निकल गया, तो निकलते हुए तो शायद उन्होंने देखा नहीं, मगर जब मैं मंदिर में पहुंचा और जब पूजा ख़त्म हुई, तो बस पुलिस के 4-5 लोग और फिर 15-20 लोग आके मुझे खींच के उठा के, गेट दरवाज़ा ताले से बंद था, दीवारें फांध के, जो कि किसी भी परिसर का उल्लंघन है। पहली बात तो ऐसे पवित्र मंदिर में पुलिस का इस तरह घुस जाना, पूजा के लिए घुसें तब तो समझ सकते हैं, किसी को उठा के ले जाने और जिसका कोई वारंट नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है कि ये एंटी नेशनल है या टेररिस्ट है, तब हम समझ सकते हैं, बंदूक लिया है तो परिसर में घुसें, मगर कुछ भी ऐसा नहीं है, जो शांति से पूजा कर रहे हैं उसमें से किसी को उठा के ऐसे ले जाएं, वो मुझे बहुत ही असंवैधानिक लगा। वो भी उस दिन जो दिन संविधान का मनाया जा रहा था 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को हमारे संविधान की धज्जियाँ उड़ गई यहाँ पर। फिर मुझे यहाँ हयाल में लाया गया, तब समझ गया मैं कि मैं हाउस अरेस्ट में हूँ, चाहे कागज़ निकला हो या ना हो। इसलिए मैंने अगले दिन ये वक्तव्य दिया कि आई एम अंडर हाउस अरेस्ट। तो इस तरह से हुआ। आपने एडमिनिस्ट्रेशन में या LG साहब की तरफ से बात करने की कोशिश की कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? बात करने की कोशिश तो नहीं, बल्कि उल्टा वहाँ से आए हमारे पास एक अधिकारी, और क्योंकि उस दिन मैंने ये कहना शुरू किया, जब मैंने देखा कि मुझे बिल्कुल नज़रबंद किया है, तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया, आपने देखा होगा एक वीडियो के ज़रिए अपने यूट्यूब चैनल पर, कि मुझे तो लगता है ये मेरे सुरक्षा के लिए नहीं है, क्योंकि ऐसी सुरक्षा कैसी कि दीवारों से फेंक कर ला रहे हैं, इसी सुरक्षा में मेरी जान चली जाती है, ऐसी सुरक्षा मैंने कभी ना देखा है ना सुनी है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये प्रशासन अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैं खरदुंगला के ऊँचाइयों से अगर आवाज़ देता तो उनके नाकामियों पर, उनके कुप्रबंधन मिसमैनेज पे, मैनेजमेंट पे सबका नज़र जाता, तो ये उन्हें शायद बहुत लगा होगा। मैं उस पर आता हूँ, तो ये उन्हें बहुत हिला गया होगा। तो दोपहर को एक अधिकारी आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि इस कागज़ पे आप साइन करेंगे, कागज़ मैं आपको दिखाऊंगा, तो कहते हैं ये एक बॉन्ड है, इस पे आप साइन कीजिए। मैं पढ़ने लगा तो उसमें लिखा है मैं कहीं कोई वक्तव्य नहीं दूंगा, किसी भी अपीयर नहीं हूँ, किसी भी सामुदायिक सभा में नहीं जाऊंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा अगले एक महीने की कितने के लिए, जब तक लद्दाख में ये हालत है या पिछले दिनों के हालत के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। यानी कि मेरा जो अधिकार है फ्रीडम स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वो सब कर्टेल कर रहे हैं और उस पर मुझसे ही साइन करा रहे हैं। दूसरी पेज पे था कि आप इसके लिए 50,000 का बॉन्ड भी भरेंगे। तो जैसा आपने वीडियो देखा, मैंने कहा LG साहब आप मतलब ये, हाँ मैंने उन अधिकारी से पूछा, ये तो बिल्कुल हनन है अधिकारों का,
मैं ये नहीं करता हूँ तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि फिर आपका डिटेंशन हो सकता है। तो मैंने कहा ये तो सबसे अच्छी बात होगी, आप मुझे ले जाइए, मैं तो खुशी से आपके जेल में जाऊँगा, वहाँ से बोलूँगा। क्योंकि मैं ये कहना चाहता था कि जो आदमी खारदुंगला पे -40 में 5 दिन के लिए रह के मरने से नहीं डरता है, आपके डिटेंशन से भी नहीं डरेगा। तो मैंने वापस भेज दिया वो कागज़। बाद में पता चला, मैंने सलाह ली ट्विटर पर सारे वकीलों से, तो वो कहने लगे ये तो बिल्कुल मतलब विपरीत है न्याय के। उन्होंने मुझे एक नोटिस तक नहीं दिया कि ऐसा हालत है इसलिए आपको हम ये नोटिस दे रहे हैं। मतलब यहाँ सिर्फ पूजा और अनशन हो रहा है, इससे किसी नगर का शांति कैसे बिगड़ सकता है? तो वो इसलिए नहीं कि ले की सुरक्षा के, वो अपनी सुरक्षा के लिए मेरा मुंह बंद करना चाहते थे। तो आपने मिस मैनेजमेंट की जो जिक्र किया है ना, क्योंकि पिछले 3 साल से जब से यूटी बना है तब से लगातार कुछ कुछ आवाज़ें उठती रहीं, चाहे वो लेजिस्लेचर को लेकर हो, चाहे वो स्टेटहुड को लेकर हो, चाहे वो जॉब्स की सिक्योरिटीज या ज़मीन की सिक्योरिटी को लेकर हो। तो क्या आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं, किस तरह की मिस मैनेजमेंट की बात? उससे भी ज़्यादा, मैं तो एक तरफ 3 साल के यूटी में लगभग कुछ हुआ ही नहीं। मैं हैरान हूँ कि ये यूटी हमने मांगा था, क्योंकि ना बच्चों के नौकरियाँ निकले हैं, कहा था 12,000 नौकरियाँ निकलेंगे, अभी कहते हैं 250-300 ही निकले हैं अभी तक, वो भी पुलिस में, जो कि आपको पता है दमन के लिए जो जनता प्रदर्शन करने लगे हैं, बेताब हो रहे हैं, तो वही निकले हैं। दूसरी तरफ बजट जो है, पूछ रहा था कल मैं, बजट 6,000 करोड़ है बताया जाता है, मगर 70% वापस चला जाता है, तो फिर खर्च तो हो ही नहीं रहा है। और दूसरी तरफ जब नए लोग ले नहीं रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट हो नहीं रहा है, तो जितने हैं अभी डिस्ट्रिक्ट में उन्हीं के ऊपर और बोझ डाला जा रहा है, वो भी परेशान है कि इतने लोगों का काम, यूटी का काम वही ज़िला के लोग कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके लिए भी मुश्किल है ना, कैसे वो बजट खर्चेंगे अगर लोग ही आप रिक्रूट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सभी दुखी हैं यहाँ पर, क्योंकि बच्चे दुखी हैं, नौकरी नहीं है, बड़े दुखी हैं कि उनके ज़मीन का अब कुछ वो नहीं है। जैसे लद्दाख के जो हिल काउंसिल है, उनको पूरा हक ज़मीन का था जम्मू कश्मीर में, मगर अब उसको भी डाइल्यूट किया जा रहा है कि ज़मीन कोई भी दे सकते हैं यूटी में। तो इन सब से परेशान है। और कल मैं ये कह रहा था कि वो छुपाना ये भी चाहते हैं कि यूटी लद्दाख में बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन है, और सबूतें हैं कितने ही लोगों के पास भी, मेरे पास भी। तो मैं ये कह रहा था क्योंकि वो मुझे उस बॉन्ड पर साइन करवाने के लिए, मेरा हाथ मरोड़ने के लिए, मेरे जो बच्चे हैं, जो टीचर शिक्षक हैं स्कूल में, उनको पकड़ के उनको सताने लगे। अब देखिए, कुछ वॉलेंटियर्स थे जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो यूरोप से हैं, उनको पकड़ के उनके वीज़ा पर वो कर रहे हैं। मतलब क्या रिश्ता बनाएगा भारत और देशों से, जब मासूम पर्यटक या वॉलेंटियर्स को आप सताने लग जाएं, उनका पासपोर्ट वो किया है। एक जाने वाले थे आज, उनको रोक के रखा है FIR करके, बिल्कुल मासूम शिक्षक हैं। तो ये बहुत, मतलब ये एक अंधेर नगरी कहें या बनाना रिपब्लिक बन गया है जहाँ कोई कानून नहीं। ऐसा करते रहे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो छवि है वो तो बिल्कुल मतलब मजाक सा बन जाएगा। तो ये हो रहा है। हम हिल काउंसलर जो चीफ काउंसलर हैं उनसे मिले थे, तो उनका कहना ये था कि आप लोग उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं। मतलब उनका कहना ये, उनका आरोप था कि आप, वो तो चाहते हैं बात करना और आप लोग उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ उनका कहना ये था कि Schedule 6 की डिमांड क्यों हो रही है, Schedule 13 की डिमांड करिए जो लद्दाख स्पेसिफिक हो। अरे उनसे पूछिए, Schedule 6 आपने मैनिफेस्टो में पहले बूंदी कैसे बनाया था, बिंदु जो था पहला वो था, ये तो उन्हें नहीं कहना। और कोई भी कहे मैं समझूंगा, मगर वो कहें जो इस बुनियाद पर ही जीत के आए हैं तो नहीं समझूंगा। और बातचीत के लिए सब इंतजार में हैं, कैसे कह सकते हैं कि बातचीत नहीं कर रहे। अगला स्टेप क्या होगा, जैसे कि आपका आखिरी दिन अनशन का, तमाम लोग जुटे हुए हैं, इनके लिए क्या संदेश है, लोगों के लिए क्या संदेश है, आगे क्या करने वाले हैं आप? देखिए, हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, हम वही कह रहे हैं जो उनके मैनिफेस्टो में है, जिसका आश्वासन अर्जुन मुंडा जी ने स्वयं मुझे पत्र लिख कर दिया,
और जो तमाम मंत्रालय हैं, एसटीएससी कमीशन है, उन सब ने आश्वासन दिया था, हमारे एमपी साहब ने आश्वासन दिया था, वही मांग रहे हैं। अब इतना देर हो गया, 3 साल बहुत होता है, इतने में बहुत कुछ बिगड़ सकता है, तो हम तो इसको लेने के लिए आगे चलेंगे। जैसा कहा था, सांकेतिक है, तो अब 5 दिन के बजाय 10 दिन का करेंगे अगली बार, फिर 15 दिन का करेंगे, फिर 20 दिन का करेंगे, जब तक सांस रहे। आपने यहाँ के सांसद का नाम लिया जामयांग जी, उनकी हाल में मुझे याद है ये यूटी बना तो उनकी एक स्पीच भी बड़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, जो उन्होंने संसद में दी थी यहाँ के लोगों को लेकर, उनसे कुछ बातचीत हुई क्या आपकी इस विषय पर हाल फिलहाल में? मेरी तो नहीं, क्योंकि वो भी शायद बहुत प्रेशर में है कहीं से, क्योंकि उन्होंने ही शुरू किया था लद्दाख में सिख शेड्यूल की बात। अब वो न सिर्फ चुप हैं बल्कि प्रोत्साहित नहीं, क्या कहते हैं, दुस्साहित या डिस्करेज करते हैं बोलने से। तो हमें लद्दाख के लोगों को लगता है कि ऊपर कहीं कुछ है जिसके वजह से सब पर प्रेशर आ रहा है कि वो इसके बारे में ना कहें। अब हम यही सोच सकते हैं कि शायद ऐसे औद्योगिक शक्तियाँ हैं, कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, जो कि लद्दाख को संरक्षित नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर लद्दाख को संरक्षित रखें तो फिर उनके माइनिंग इंडस्ट्रीज वगैरह वगैरह नहीं चल पाएंगे। तो शायद इसलिए हो, हमें समझ नहीं आता है क्यों है, मगर कहीं से बहुत प्रेशर है कि वो लद्दाख को संरक्षित ना रखें, खुला रखें। सिक्स शेड्यूल देंगे तो जनता से पूछ कर ही काम होगा, हिल काउंसिल से पूछ कर ही काम होगा। अभी तो कोई पूछता ही नहीं किसी से, कहीं भी कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ के लोगों का कोई भागीदारी या कोई महत्व नहीं रहेगा। तो शुरू शुरू में तो लोगों का संरक्षण सिक्स शेड्यूल का ही था, अब जब कुछ काम ही नहीं चल रहा है और एक व्यक्ति का एक तरह का तानाशाही है, वही निर्णय करते हैं हर चीज़ पर, 6,000 करोड़ जो हमने बताया ना, उसका सिर्फ 8% जाता है हिल काउंसिल को, जहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधि हैं। चुने हुए प्रतिनिधि फैसला करते हैं सिर्फ 500 करोड़ का, बाकी कितने हुए 5,500 करोड़ एक एलजी निर्णय करते हैं। अब उससे तंग आकर, इस हालत से तंग आकर लोग मांगने लगे हैं संपूर्ण स्टेटहुड, जो कि अब जायज़ भी लगता है, क्योंकि लोगों का कुछ भी यहाँ नहीं सुना जाता। हमारे तो प्रतिनिधि कम हो गए, बल्कि लोकतंत्र यहाँ रहा नहीं। पहले 4 MLAs होते थे, 2 MLC होते थे, अब कुछ भी नहीं है, 0। तो एक तरह से हम पीछे जा रहे हैं, इसलिए लोग महसूस करते हैं तो इससे तो अच्छा जम्मू कश्मीर में ही था। तो इस वजह से यहाँ पर अब स्टेटहुड की मांग जोर पकड़ रही है, क्योंकि तब हमारे चुने हुए MLAs होंगे जो निर्णय करेंगे। गवर्नर होंगे मगर वो गवर्नरियल रोल करेंगे, ये तो ऐसा है कि जैसे किसी प्रदेश को, स्टेट को गवर्नर रूल में डाल दिया। अब गवर्नर रूल चलता है 2 महीने 5 महीने, फिर लोकतंत्र बहाल होता है। हम तो क्या कहेंगे, इनडेफिनेट गवर्नर रूल में है, लोकतंत्र यहाँ 0 है। ऐसे कैसे लद्दाख को आप मैनेज करेंगे, वो भी इतने संवेदनशील जगह पर जहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, एक गवर्नर के नीचे हमें डाल दिया। तो ये यूटी किसी काम की नहीं रही है। वैसे भी जब यूटी मांग रहे थे तो लोग मांग रहे थे यूटी विद लेजिस्लेचर, यहाँ ना लेजिस्लेचर है न कुछ है, तो इसलिए अब संपूर्ण स्टेटहुड का मांग कर रहे हैं। इसलिए हमारे नेताओं ने जो मांग रखी है सरकार से, उसमें सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं कि संरक्षण हो सिक्स शेड्यूल में, जैसा आपने वादा किया था, और दूसरा हमें स्टेटहुड दीजिए, हम दोबारा से, अगर आप कश्मीर में स्टेटहुड बहाल कर रहे हैं तो लद्दाख में क्यों नहीं? लद्दाख के लोगों ने क्या गुनाह किया इस तरक्की में? लद्दाख और भी अलग जगह है जिसको किसी और को समझना बहुत मुश्किल होगा। अभी हमारे जो LG साहब हैं वो 2-3 साल पहले आए, 2-3 साल को तो उन्हें समझने में लगा इस चांद से जगह को, अब जब समझ गए हैं तो वो चले जाएंगे। आपके विरोधी एक चीज़ और बोल रहे हैं कि आपने हाल फिलहाल में ये बोला कि अगर यही चलता रहा तो यहाँ के जो युवा है, यूथ हैं, वो मिलिटेंसी की तरफ भी बढ़ सकते हैं, ये एक मुद्दा बन रहा है। हाँ, मैंने ये नहीं कहा, मैंने गवर्नर साहब को एड्रेस करके कहा कि
मुझे तो इस तरह से लगता है कि आप पूरा मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ पर एलियनेशन की, यहाँ तक कि मिलिटेंसी की भी आप बीज बोएं। अगर आप युवा पीढ़ी को बेरोजगार रखें 12,000 और फिर उसके बाद उनको बात बात पे जेल डाल दें, बात बात पे आप FIR कर दें, ऐसे ही हालत में तो जन्म होता है एलियनेशन। तो मैं उनको कह रहा था कि आप ये कोशिश कर रहे हैं मगर हम होने नहीं देंगे ऐसा, इसीलिए मैं बैठा हूं ताकि ऐसा ना हो। ऐसे चलता रहा, मैं नहीं अनशन पे बैठता, वो अपना इसी तरह का अंधेर नगरी का राज चलाते तो यहाँ हो भी सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं बोल रहा। तो ये पूरी बातचीत आपने सुनी। हमारे साथ थे सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख को लेकर, यहाँ के चार बड़े मुद्दों को लेकर पिछले 5 दिन से सांकेतिक धरने पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी पूरी बात रखी इस पूरी बातचीत के बारे में। आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।